ये हमने कपड़ा लिया है, ये देखिए ये पूरा कपड़ा है। इसका अभी हम आपको सादे ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। इसको इस तरह से बिछा लीजिए अपने साइड से, ऐसे खुला रखना। और इसकी लंबाई लेंगे हम, सबसे पहले हम एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं। अब हम ब्लाउज की लेंथ ले लेंगे। ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने नीचे जो लिया है मोड़ने के लिए है, ये 14 ले लेंगे यहाँ पे। ये हो गया। अब हम तीरा ले लेंगे, तीरा 6 इंच है, ये यहाँ तक आ रहा है, ये लाइन में ला देंगे। इसके बाद यहाँ से मुड्डे के लिए 6 इंच लेंगे, ये हो गया। अब चेस्ट हमारा है 38, तो हम ले लेंगे 9.5। एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें बाद में रख देंगे हम, 1.5 इंच 2 इंच जितना हमारे पास कपड़ा है। ये यहाँ से मुड्डे के लिए हम लोग 1/2 इंच का या 1 इंच का हम लोग छोड़ देते हैं गोलाई के लिए इस जगह पे ऐसे। अब इसको आप मिला दोगे, इस तरह से आप यहाँ से इसका हाफ कर लेंगे तीरा के लिए। इस यहाँ से हम 3 रख देंगे गले के लिए, और यहाँ से 1/2 इंच शेप दे देंगे इस तरह से। ये हो गया। गले के लिए भी ले लेंगे 6 इंच की गहराई, सामने का गला। इसमें यहाँ से 1/2 इंच ले लेंगे शेप के लिए। इस तरह से गुलाई डाल देंगे यहाँ से भी। इस तरह से अब हम यहाँ से ले लेंगे बस्ट लाइन, ये होता है 10 पे, यहाँ पे बस्ट लाइन लेंगे। इसको सीधा ड्रॉ कर लिया हमने। अब ये हमारा चेस्ट है, इससे आगे हम बढ़ा के 2 इंच रख लेंगे और इसको स्ट्रेट मिला देंगे यहाँ पे। अब ये देखिए डार्ट्स के लिए है, ये वाला मेन पॉइंट है। इससे इस तरफ को, इस साइड को 1 इंच ले लेंगे। पहला वाला डार्ट ये ऊपर वाला मुड्डे की तरफ का ले लेंगे 1.5 इंच, और ये साइड का डार्ट है ये 1.25 के करीब हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से मिला लेंगे इसको। और ये हमारा मेन वाला डार्ट रहेगा बड़ा वाला, इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ से बाद में कमर का हम लाइन बाद में ही लाएंगे तैयार होने के बाद। अब ये बन गया हमारा, हम इसको भी काट लेंगे।
ये हमारा निकल गया, ये फर्स्ट पार्ट निकल गया हमारा। अब इसमें हमारी कमर है 34 इंच, तो ये 1/4 हुई है इसकी, 8.5, और 1 इंच डाट का छोड़ देंगे 9.5। ये इसका यहाँ पे छोड़ा है हमने, इससे इसको लाइन मिला देंगे इस तरह से, ये हो गया। अब आप इसमें पॉइंट्स बना लेंगे कैंची से, इस तरह से कट्स बना लेंगे। ये बन गया आपका। अब यहाँ पे आप इस तरह से नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। या इस पे आप चक्री भी चला सकते हो, चक्री से आप निशान देंगे, या फिर एक दूसरे के ऊपर रख के भी इसको छाप सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सामने के दो पार्ट हो गए। अब बैक पार्ट निकालेंगे हम। ये देखिए जो बंद साइड है, ये जो बंद साइड है उस साइड में इसको हम इस तरह से रख देंगे। इस तरह से थोड़ा सा आगे 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे, छोटा सा सिलाई के लिए। इस तरह से रख देंगे हम। अब आपको ये करना है कि इसमें सिर्फ आपको बैक के मुड्डे का शेप लगाना है, इस तरह से। गला दोनों तरफ एक बराबर रखा है हमने, हम इसको काट लेंगे।